हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है और अगर आपको एडिट लॉग वर्जन में जीएसटी क्लासिफिकेशन करना नहीं आ रहा है और अगर आप बार बार जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं और जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा है तो ये वीडियो देखिए ध्यान से और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो एंड होने तक आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार जीएसटी क्लासिफिकेशन क्या है, इसको कैसे करते हैं, क्या तरीका है। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला काम कि यहाँ पर कोई एक कंपनी हमें बना लेनी है, तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करते हैं तो एक नया फॉर्म खुलता है। अब यहाँ पर एक कंपनी हमें बनानी है, जैसे सपोज कीजिए मैं एक कंपनी यहाँ पे बना लेता हूँ, सपोज कीजिए मॉर्निंग ग्रोसरी शॉप, इस नाम से हमने कंपनी बना ली मॉर्निंग ग्रोसरी शॉप नाम से और एंटर कर दिया। यहाँ पर एड्रेस आएगा तो ये एड्रेस आप डाल दीजिए और यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद एंटर करिए और यहाँ पर आता है स्टेट आपका, तो स्टेट जरूर डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा लोकल एरिया का जो भी होता हो, टेलीफोन नंबर वगैरह डालते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करा लेना है। तो जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक्सेप्ट होने के बाद आपको क्या करना है, ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब भी आप जीएसटी लगा रहे हैं किसी भी कंपनी में तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन यस होना चाहिए, देखिए ये दिया हुआ है टैक्सेशन वाले सेक्शन के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, तो इसको आपको यस रखना होगा किसी भी हाल में। तो यहाँ से यस रखिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे जीएसटीआईएन नंबर आपका आता है तो जो भी आपका जीएसटीआईएन हो वो डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा। आप मंथली जीएसटी फाइल करेंगे या क्वार्टरली वो देख लीजिएगा, फिर एंटर करते हुए अगर ईवे बिल को यस रखना चाहते हैं तो यस रख सकते हैं, अदरवाइज यहां पर एंटर करते हुए नीचे आइएगा। तो जैसे नीचे आते हैं ना तो आप इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो क्या होगा, आप भले ही आपने जीएसटी को यस किया हो लेकिन आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इस ऑप्शन को लिखा हुआ है सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, अगर इस ऑप्शन को आपने नो किया तो आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा, तो इसको यस रखिएगा और एंटर करिएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर आएगा, तो बस यहाँ पे जाकर के और बाकी यहाँ पर एचएसएन कोड डालिएगा, तो एचएसएन कोड 8 अंकों का होता है तो जो भी आपका एचएसएन कोड हो 8 अंकों का वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए मेरा यही है तो मैंने यही डाल दिया, तो ये एंटर कर दीजिए। अब एंटर करके फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसी चीज के बारे में आता है, यहाँ पर स्पेसिफाई करने की बात आती है, तो अगर आप यहाँ पर नॉट डिफाइन कर देंगे तो भी आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, स्पेसिफाई इन वाउचर, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट्स और यहाँ पे यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन और यहाँ लास्ट में तो स्पेसिफाई इन वाउचर दे ही रहा है। तो फिलहाल तो हम स्पेसिफाई डिटेल्स हियर ही करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि सवाल इसी बात को लेकर के है कि सर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो मेरा नहीं आ रहा है, तो बहुत ध्यान से एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा, जरूर आ जाएगा। यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको एग्जेम्प्टेड नील रेटेड और टैक्सेबल मिलेगा, तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल ही रखना है, आपको पहले ही बता चुका हूँ एग्जेम्प्टेड वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया है, नील रेटेड जिन पर जीएसटी तो लगता है लेकिन केवल और केवल 0%। तो यहाँ पे फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल यहाँ पे कर देना है टैक्सेबल और कितना परसेंट आप टैक्स यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ 18%, तो यहाँ 18 लगा दिया। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट टैक्स है, ये जो 18 लगाया ये बाय डिफॉल्ट टैक्स है, एंटर किया। अब एंटर करते हुए लास्ट तक आपको एंटर करते चले जाना है, तो बस यहाँ तक एंटर करते हुए आ जाइए, ये आपका जीएसटी भी एक्टिवेट हो गया। पहली एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी है क्योंकि पेमेंट, अगर क्रेडिटर पार्टी की बात आ जाएगी तो उनको पेमेंट करेंगे तो हमारे पास कैश ही नहीं होगा, तो फिर कैश की शॉर्टेज हो जाएगी और नेगेटिव कैश आएगा, तो इसके लिए हम पहले रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास कर लेते हैं, यानी F6 वाले में जाकर के हमें एक एंट्री पास करनी है। कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, तो यहाँ एक कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं ये इस तरीके से, और यहाँ ग्रुप रहेगा कैपिटल अकाउंट ही, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा इस तरीके से। अब जब यहाँ एक्सेप्ट करा लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कैपिटल, कितना कैपिटल आप अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर आप कैश कर सकते हैं या बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, बाकी नरेशन आप डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिए और एंटर जैसे ही करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है तो अब हमें चलना है कहाँ, परचेज वाउचर में जो सप्लायर ने बिल दिया उसकी एंट्री करने। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया, जो सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर है, एंटर किया और यहाँ पर आता है क्रेडिटर पार्टी का नाम, तो हमारे यहाँ क्रेडिटर पार्टी है सप्लायर 1, तो यहाँ लिख देता हूँ सप्लायर
वन, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है तो इसका ग्रुप भी क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा। तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में जाइएगा, एंटर करिएगा और एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लेना है, फिर इसको भी एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेना है, ठीक है। और यहां पर आकर के और फिर यहां पे बने परचेज का लेजर, तो यहां परचेज कर देते हैं, परचेज अकाउंट इस तरीके से एंटर करेंगे और इसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट, तो ये परचेज अकाउंट दे दीजिएगा, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब यहां पर जो आपने प्रोडक्ट परचेज किया है उसकी डिटेल यहां पर आएगी, ठीक है। तो ग्रोसरी शॉप है तो यहां पहला प्रोडक्ट है बासमती राइस, RICE, ठीक है, एंटर किया। और यहां पर आएंगे तो यहां पर अब जो है किलो में ये होगा, तो केजी कर देते हैं, कंपाउंड यूनिट तो पहले ही बनाना सिखा चुका हूं, तो अगर आप कंपाउंड यूनिट देना चाहते हैं तो कंपाउंड यूनिट भी बना सकते हैं, फिलहाल यहां एक ही यूनिट बनाएंगे हम, किलोग्राम, ठीक है, एंटर करेंगे। और यहां के प्रेस करते ही के वाले सारे यूनिट हाईलाइट हो जाएंगे, यूक्यूसी कोड उनका हाईलाइट हो जाएगा, यूक्यूसी कोड का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड, तो ये हाईलाइट हो जाता है, तो हमें किलोग्राम्स ले लेना है। और यहाँ डेसिमल प्लेसेस को 3 रख देंगे और बाकी यहाँ पे तो केजी ही रहेगा, अल्टरनेट यूनिट तो हमें बनाना ही नहीं है, तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, बाकी स्टैंडर्ड रेट नहीं सेट कर रहा हूँ, अभी एंटर कर रहा हूँ, तो ये हो गया। तो अभी मान लीजिए कि 100 किलो बासमती राइस मंगा लिया हमने और 1 किलो की खरीद रेट हमें कितनी पड़ी, 120 रुपए, तो ये डाल दिया हमने। अब जब बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, अब यहाँ जीएसटी के लेजर आएंगे, तो यहाँ पर जो है सीजीएसटी पहले आएगा, एंटर करेंगे, इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप में बहुत गलतियां होती हैं, तो यहाँ पर जो है ग्रुप रख लीजिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे जीएसटी रख लीजिएगा और यहाँ पे सीजीएसटी रखिएगा, एंटर करिएगा, राउंडिंग में आप नॉर्मल राउंडिंग रख सकते हैं, एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कराइएगा, देखिए आपका जीएसटी कैलकुलेट हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जरूर कैलकुलेट हो जाएगा आपका जीएसटी कैसे स्पेसिफाई करना है, ये मैंने डिटेल में बता दिया। यहाँ पर आप एसजीएसटी चूज करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पर भी नॉर्मल राउंडिंग रख के और यहाँ पे एंटर करवा लीजिएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर नरेशन डाल दीजिएगा, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये हो गया, एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए, तो बस ये काम हो जाएगा। और इतना होने के बाद अब आप बिल अपना देख सकते हैं, यहां से बाहर आने के लिए एस्केप बटन और यहाँ पे दो बार, एक बार आप सीधा के प्रेस कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका परचेज वाला ये बिल है, एंटर करिए और ये इस तरीके से अब यही सेम चीज सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा इनवॉइस जो है आपका जनरेट हो गया है, कितनी जीएसटी लगी है आप ये भी देख सकते हैं ना। अब अगर मान लीजिए यही जीएसटी अलग से लगानी हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जीएसटी अगर किसी प्रोडक्ट पर अलग से लगानी हो तो आप प्रोडक्ट बनाते समय ही जीएसटी की डिटेल को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कैसे आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर वापिस आते हैं एक बार और परचेज वाउचर में, और यहाँ पर आकर के सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला। इस बार क्या करेंगे, इस बार सपोज कीजिए कि सप्लायर हमारा यही है लेकिन प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, तो इस बार हम टाटा टी करते हैं, यहाँ पे टाटा टी हो गया, एंटर किया। यहाँ पर आएंगे तो ये भी किलो में बिकेगा, एंटर करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो स्पेसिफाई हियर यहाँ पे करना है आपको और टैक्सेबल रखना है। और इस बार हम क्या करते हैं, टाटा टी पर 10% लगा देते हैं, तो ये 10% हो गया और एंटर कर लिया। अब मान लीजिए 5 किलो चाय परचेस किया और 1 किलो चाय की कीमत खरीद रेट हमें पड़ी ₹300, ठीक है, तो ये ₹300 डाल दिया और यहाँ पे अब सीजीएसटी आ गया और देखिए यहाँ पे एसजीएसटी आ गया, तो ये दोनों जो है 10% के हिसाब से आया, ठीक है, और ये भी एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यही वो तरीका है जिससे आप जीएसटी की डिटेल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है।